ESOPs का मतलब होता है इम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लान। मतलब जब इम्प्लॉइज को कंपनी के अंदर ओनरशिप राइट दिया जाता है, यानी कि इम्प्लॉइज को हम स्टॉक देते हैं और उनको ओनर बनाते हैं, उसको बोलते हैं इम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लान। ये ना आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये इम्प्लॉई बेनिफिट प्लान है जिसके अंदर वो ओन करते हैं स्टेक इन द कंपनी, जिस कंपनी के अंदर वो काम करते हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन यू कि आप भी चाहते हो ना कि आपकी कंपनी के अंदर टीम मेंबर इस तरीके से काम करें, इस तरीके से काम करें कि वो ओनरशिप के साथ पे काम करें, पूरी जान लगा के, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखते हुए। जैसे आपके लॉन्ग टर्म के प्लान है ना, तो वैसे ही आपकी इम्प्लॉई पार्टिसिपेट करे उसके अंदर। तो क्वेश्चन ये आता है, तो ऐसा कौन करता है? ऐसा ओनर ऑफ द बिजनेस करते हैं। तो सोचो अगर इम्प्लॉई ही ओनर ऑफ द बिजनेस बन जाए तो कैसा रहेगा? तो ओनरशिप कैसे मिलेगी? ओनरशिप तो एक्चुअली शेयर अलॉट करके मिलेगी ना। यस 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 एब्सोल्युटली। तो अब जो लोग ये कहते हैं कि मेरे साथ ना कुछ मेरे टीम मेंबर बड़े सालों से जुड़े हुए हैं, अब मैं उनको ना बेनिफिट देना चाहता हूं, उनको अब अपने साथ लॉन्ग रन के साथ जोड़ के रखना चाहता हूं, लंबे समय तक चलना चाहता हूं, तो वहां पर इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम आती है, क्योंकि आप उनको इक्विटी शेयर अलॉट कर रहे हो अपनी कंपनी के। एट द सेम टाइम आप ना कुछ नया टैलेंट एक्वायर करना चाहते हो मार्केट से न्यू टैलेंट एक्वायर करना चाहते हो। अब उनकी जो मंथली सैलरी वो जो डिमांड कर रहे हैं, आप उतनी सैलरी, अभी आपकी कंपनी, आपका बिजनेस अभी उतनी सैलरी कैश फ्लो के अकॉर्डिंगली अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन आप उस टैलेंट को एक्वायर करना चाहते हो। तो आज की डेट में क्या है मेथड? मेथड है उनको ईसॉप्स इशू करना, यानी कि उनको ओनरशिप के शेयर इशू करना। वो ओनर बनेंगे, मालिक बनेंगे, लॉन्ग टर्म में आपके साथ चलेंगे।